नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हिम के बिल्स में। एक वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त चाहे आप मोबाइल कैमरा यूज़ कर रहे हो या फिर कोई भी कैमरा यूज़ करे, अगर वो हिलता रहेगा तो वीडियो अच्छी नहीं बनेगी। तो हमें चाहिए कुछ ऐसा जिससे हम अपने कैमरे को स्टेबल रख सके, इसीलिए मैंने एक मोबाइल होल्डर बनाया है जिसमें मैंने अपना फ़ोन लगा के रखा है। तो चलिए आज की वीडियो में इसी को बनाने का प्रोसेस देखते हैं। ओके, तो मोबाइल होल्डर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बेस। इसी बेस का यूज करके हम अपने मोबाइल होल्डर को हमारे ऑलरेडी बनाए हुए स्टैंड के साथ अटैच कर सकेंगे। ये पीस मैंने काट लिया है, अब इसको रख देते हैं साइड में और अपने मोबाइल होल्डर का मेन बॉडी बनाते हैं। उसके लिए स्क्रीन पे दिए डायमेंशंस के हिसाब से हमें इस कार्डबोर्ड के टुकड़े को काट लेना है। और अब ये डॉटेड लाइंस के ऊपर से हम इस कार्डबोर्ड को तीन जगह से फोल्ड करेंगे। अब इमेज के हिसाब से हम ये सामने के जो पार्ट है उनको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। वो इसलिए क्योंकि हम इसको बाद में एक सर्कुलर शेप में फोल्ड करने वाले हैं, वो आगे जाके आपको दिख जाएगा। अभी बस ये कट बना के रख देते हैं। अब इमेज में दिखाए गए ग्रे पार्ट को शेडेड पार्ट के साथ चिपकाने पे हमारी मेन बॉडी रेडी हो जाएगी। अब ये सामने के जो पार्ट है जिसको हमने ऑलरेडी दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काट लिया है, उसको फोल्ड करके एक सर्कुलर शेप देंगे। अभी मैं एक किचन पेपर टॉवल के अंदर का सिलिंड्रिकल रोल लेने वाला हूँ और इस रोल को हमने जो सामने सर्कुलर शेप बनाया था उसमें फिट कर दूंगा। अब इसके ऊपर हम रबर बैंड्स लगाएंगे। उसका पर्पस ये है कि ये सिलेंडर के आगे हम अपने मोबाइल होल्डर का मेन होल्डिंग वाला पार्ट बनाएंगे, तो ऑब्वियसली उसको रोटेट करना रहेगा। तो ये बार बार रोटेट करने के बाद भी ये पार्ट लूज ना हो, इसीलिए इसके ऊपर मैंने ये रबर बैंड लगाया है। ओके डन, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फिर से स्क्रीन पे दिए डायमेंशन के हिसाब से हम एक दूसरा पार्ट बनाने वाले हैं। जो डॉटेड लाइंस है उसके ऊपर हम कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से कुछ मार्क बना लेते हैं ताकि इसके ऊपर फोल्ड करना इजी रहे। हमने मेन बॉडी में जो सिलिंड्रिकल रोल लगाया था उसी का दूसरा एंड हम इस पार्ट में लगाने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक सर्कुलर होल बना लेते हैं। अब इमेज के हिसाब से हम इस कार्डबोर्ड पे कुछ कट्स लगाने वाले हैं ताकि हम इसको बोल करके एक यू जैसा शेप दे पाए। अब इसके अंदर वो रोल लगा देते हैं कुछ इस तरह से। अब अपने रोल पे थोड़ा सा ग्लू लगा देते हैं ताकि ये इस पार्ट से फिक्स हो जाए। अब बाकी एजेस भी चिपका देते हैं। ये बन गया है, अब इसी के सामने हम मोबाइल को अटैच कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेंगे और इसमें वो पार्ट बनाएंगे जो मोबाइल को होल्ड करके रखेगा। अब इस कार्डबोर्ड के बीच में एक होल बना लेते हैं क्योंकि कैमरे से रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा तो दिखना चाहिए, अगर वही अंदर ढका रहेगा तो वो रिकॉर्ड कैसे करेगा। तो चलिए एक होल बना लेते हैं।
हम अपने मोबाइल को इस होल्डर की मदद से अलग अलग एंगल में रोटेट कर सकेंगे। उसके लिए अलग अलग पार्ट अलग अलग टाइप से हेल्प करेगी। ये वाला जो पार्ट है इसको रोटेट करने के लिए इसके बीच में एक हम छोटा सिलिंड्रिकल रोल लगाएंगे। इसको भी मैंने किचन पेपर टॉवल के रोल से ही काट के रखा था, तो इसको यहाँ पे चिपका देते हैं। ओके, इसको मैंने लगा दिया है। अब ये पीस एक दूसरे कार्डबोर्ड के पीस पे लगेगा, तो चलिए उसके बीच में एक होल बना लेते हैं ताकि इस पार्ट को उसमें फिट कर पाए। ऊपर के पीस को एक सर्कुलर शेप दे देते हैं ताकि रोटेट करते वक्त इसके कॉर्नर्स किसी दूसरे पार्ट से अटक ना जाए। ये बन गया है, अब इसको अपने कार्डबोर्ड के ऊपर लगा देते हैं। अभी हमें इस पार्ट पे मोबाइल फोन को लगाने के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा बॉक्स बनाने वाला हूँ जो इस पार्ट के नीचे लगेगा। क्योंकि हमारा मोबाइल होल्डर अलग अलग एंगल में रोटेट होने वाला है, इसीलिए सिर्फ नीचे का बॉक्स होना सफिशिएंट नहीं है, हमें ऊपर से भी कुछ चाहिए ताकि फोन को अच्छे से पकड़ के रखे। तो उसके लिए हम एक दूसरा पार्ट बनाने वाले हैं। और अब मैं ये यहाँ पे एक कार्डबोर्ड का पीस लगाने वाला हूँ, इससे ये बार अपने जगह में सही से रहेगा और स्मूथली अप डाउन भी हो पाएगा। तो इस पार्ट को दो रबर बैंड के मदद से हम लगा देने वाले हैं ताकि अलग अलग साइज के मोबाइल को भी ये होल्ड कर पाए। ओके डन, अभी मैं नीचे के बॉक्स में एक होल बनाने वाला हूँ, इसके थ्रू हम फोन को चार्ज में लगा पाएंगे।
अब ये बीच का रोल यूज करके हम इस पार्ट को ये पीछे के पार्ट पे रोटेट करने वाले हैं। इसीलिए हमें पीछे के पार्ट पे एक बड़ा सा होल चाहिए ताकि ऊपर का पार्ट रोटेट होने पे भी ऊपर का होल ढक ना जाए। तो चलिए उसको बना लेते हैं। ये बन तो गया है लेकिन ये बीच का पार्ट बहुत ही पतला हो गया है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा मजबूती देने के लिए ऐसा ही सिमिलर एक और पार्ट बनाते हैं और दोनों को आपस में जोड़ के थोड़ा मजबूत बना देते हैं। मोबाइल को होल्ड करने के लिए जो पार्ट हमने बनाया है वो इस पार्ट के सामने लगने वाला है, लेकिन ऑब्वियसली वो पार्ट भी रोटेट होगा और बार बार ऐसा करने पे ये लूज ना हो इसीलिए इस पार्ट का ये सामने का फ्लैप्स मैंने फिक्स नहीं किया है। इसको मैं रबर बैंड के मदद से लगाने वाला हूँ ताकि इसके अंदर का पार्ट जितना भी रोटेट हो ये लूज नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं कार्डबोर्ड से बना के दो हुक्स लगाने वाला हूँ जिसके ऊपर मैं रबर बैंड को लगा के ये सामने के ग्रिप को टाइट कर सकूँ या फिर लूज कर सकूँ। एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड को काट के निकाल लेते हैं। अभी हम एक किचन पेपर टॉवल के रोल के दो छोटे टुकड़े करने वाले हैं जिसको मैं इस पार्ट के दोनों तरफ लगाने वाला हूं। ओके, ये लग गया है। अब इसके सामने अपना मोबाइल होल्डर लगा देते हैं। अभी आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से मैं अपने मोबाइल को रोटेट कर सकता हूँ इस पार्ट का यूज करके। अभी इस रोल के ऊपर मैं कार्डबोर्ड का स्ट्रिप लगा देता हूँ ताकि ये पार्ट अपने जगह पे रहे और निकल के ना आए। अब ये सही से रोटेट हो पाएगा लेकिन निकलेगा नहीं। अब ये पार्ट अपने ऑलरेडी बनाए पार्ट के सामने लगेगा कुछ इस तरह से। अब ऑब्वियसली ये पार्ट भी रोटेट होने वाला है और ये लूज ना हो जाए उसके लिए यहाँ पे भी हम रबर बैंड का यूज करने वाले हैं। इसीलिए मैंने सामने के ये दो फ्लैप्स को फिक्स नहीं किया है, इनको मैं रबर बैंड के साथ अटैच करने वाला हूं ताकि अंदर का पार्ट मूव होने के बाद भी हमेशा इनमें ग्रिप बना रहे, ये लूज ना हो। अब चलिए इसको ऑलरेडी बनाए हुए बॉडी पे लगा देते हैं और इस जॉइंट पे हम इस पार्ट को एक और डायरेक्शन में रोटेट कर पाएंगे कुछ इस तरह से। इस वीडियो का लाइट देख के आपको ये दिन का सनलाइट लग रहा होगा लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। मैं अपने प्रोजेक्ट्स का काम मोस्टली रात को ही करता हूँ और अभी भी ये रात ही है। इनफैक्ट अभी रात के 4 बज रहे। अभी बहुत लोगों के लिए ये सुबह के 4 बजे होंगे, वो अलग बात है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं इस वीडियो को रात के टाइम शूट कर रहा हूँ लेकिन लाइट का प्रॉब्लम नहीं आ रहा, वो इसीलिए क्योंकि मैंने सामने ये सॉफ्ट बॉक्स लाइट लगा के रखा है। इसको बनाने का प्रोसेस मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था और अगर आपको ये लाइटिंग अच्छी लग रही है और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जरूर चेक कीजिए ताकि आप एक्सटर्नल लाइट के ऊपर डिपेंडेंट ना हो और जिस भी टाइम आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है आप कर सके। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अपना मेन मोबाइल होल्डर तो बन गया है लेकिन उसको स्टैंड में भी लगाना पड़ेगा ना, लेकिन मैं इसको स्टैंड में फिक्स नहीं करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि उसको भी मूव कर पाऊं, इसीलिए चलिए एक और पार्ट बनाते हैं।
अब इसी पार्ट के अंदर हमारा मेन बॉडी लगने वाला है। अब इसके नीचे हम 3 कार्डबोर्ड के टुकड़े लगाने वाले हैं। उसका रीजन क्या है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। ओके, बन गया। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कार्डबोर्ड का टुकड़ा काट के रखा था। अब इस पार्ट को हम उस पीस में लगाने वाले हैं। उसके बाद ये लगेगा स्टैंड पे। इस कार्डबोर्ड के कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड कर देते हैं ताकि स्टैंड में लगाना इजी रहे। ओके, अब चलिए इसको स्टैंड में लगाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो बेस है इसके साइड में ये कार्डबोर्ड का पार्ट है, जिसके वजह से मैं इस बेस में डायरेक्टली ये पार्ट नहीं लगा सकता। लेकिन ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे ये 3 कार्डबोर्ड के पीस ऑलरेडी लगा लिया है। अभी चलिए स्टैंड में इस मोबाइल होल्डर को लगा देते हैं। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है इसका यूज करके मैं अपने मोबाइल को स्टैंड से पास या दूर ले जा सकता हूँ, कुछ इस तरह से। इसका यूज तब आएगा जब हम टॉप डाउन वीडियो शूट कर रहे होंगे। चलिए इसको बाद में देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इस होल्डर में एक फोन लगा देते हैं। अब ये जो पार्ट है इसका यूज करके मैं अपने फोन को इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकता हूँ। उसके बाद ये जो आगे का पार्ट है इसका यूज करके मैं अपने फोन को इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकता हूँ। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो पोर्ट्रेट मोड है, हमें तो लैंडस्केप मोड में रिकॉर्ड करना है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसको ऐसे रोटेट कीजिए और आपका फोन आ जाएगा लैंडस्केप मोड में। अब ये पीछे जो ये होल है इसका यूज करके मैं इस फोन को फिंगरप्रिंट सेंसर से भी अनलॉक कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे ये बॉक्स कुछ ऐसे बना है ताकि नीचे के जो बटन है उसको ये ढके नहीं और हम आसानी से इन बटन्स का भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो बटन्स है वॉल्यूम और पावर बटन, ये लेफ्ट राइट किसी भी साइड में हो, ये भी ढके नहीं है, इसीलिए हम इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं अपने फोन को पोर्ट्रेट मोड में रखता हूँ तो मैं इसको इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम फोन को लैंडस्केप मोड में रखेंगे और अगर आपको इस डायरेक्शन में रोटेट करना है तो आप कैसे करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बीच का पार्ट है इसको हमें रोटेट करना है और हम अपने फोन को इस डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं लैंडस्केप मोड में। अब सपोज आपको टॉप डाउन वीडियो शूट करना है, मतलब आप ऊपर से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और आपका ऑब्जेक्ट नीचे होगा जैसे कि ये, तो हम कुछ इस तरह से इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर में है तब भी कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये पार्ट बना के रखा है जिसका यूज करके मैं इस आर्म को एक्सटेंड कर सकता हूँ। और अगर आप सोच रहे हो कि ये तो ठीक है लेकिन इसकी हाइट को हम कैसे बनाएंगे, इसका मतलब है आपने इस प्रोजेक्ट का पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने ये स्टैंड बनाया था, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ये फीचर है स्टैंड की हाइट को एडजस्ट करने के लिए, जो मैं इस तरह से कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से। तो कुल मिला के अब इस मोबाइल होल्डर के मदद से किसी भी एंगल के कैसे भी वीडियो शूट कर सकते हो, है ना बढ़िया। तो कैसा लगा आप लोगों को ये मोबाइल होल्डर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी स्टैंड के साथ अगर कोई और भी आइडिया आपके दिमाग में आता है तो उसको भी मेंशन कीजिए, हम आगे उसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये था आज का प्रोजेक्ट, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि आगे और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स मैं लेके आने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।